मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज सिरोही दौरा, जी हां दोपहर 2 बजे आने का है कार्यक्रम। कांग्रेस प्रत्याशी रतन देवासी के समर्थन में जनसभा करने वाले हैं। बाड़मेर के सिवाना में इस जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि शाम 4 बजे करेंगे चुनावी सभा को संबोधित। कांग्रेस प्रत्याशी कर्नल मानवेंद्र सिंह के समर्थन में ये जनसभा करने वाले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सिरोही और बाड़मेर दौरा बता रहे हैं आपको, जहाँ पर शाम 4 बजे भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी कर्नल मानवेंद्र सिंह के समर्थन में जनसभा होने वाली है। सीएम अशोक गहलोत सिरोही में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे आज आने का उनका कार्यक्रम है और इसी के तहत सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम करे गए हैं। तैयारियों की भी लगभग सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। शाम 4 बजे भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सिरोही और बाड़मेर दौरा बता रहे हैं आपको। दोपहर 2 बजे उनके आने का कार्यक्रम है आज, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी रतन देवासी के समर्थन में जनसभा को करने वाले हैं, तो वहीं बाड़मेर के सिवाना में भी जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम 4 बजे इस चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी कर्नल मानवेंद्र सिंह के समर्थन में जनसभा होगी। उनके पक्ष में माहौल बनाते हुए वोट की अपील करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सिरोही और बाड़मेर दौरे पर है और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता लियाकत अली फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। जी लियाकत, बताएं क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल नरीला, आज सीएम अशोक गहलोत का चुनावी दौरा है एक दिवसीय, जिसमें जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र के रतन देवासी के नेतृत्व में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही अरविंद पेवेलियन में पूरी तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। भारी मात्रा में कार्यकर्ता अशोक गहलोत को सुनने के लिए यहां पर पहुंच रहे और विशाल इस चुनावी जनसभा का आयोजन यहीं से होगा। जी लवीना, जी आकर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कई लोग सीएम अशोक गहलोत को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं, तो क्या आपकी बात हो पाई है उनसे? क्या कुछ कहना है उनका? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोग काफी उत्साहित है, क्योंकि जो लोकसभा सीट से इस बार जो टिकट दिया है युवा उम्मीदवार रतन देवासी को, इसको लेकर काफी लोगों के अंदर उत्साह भी बना हुआ है, क्योंकि एक युवा चेहरा यहाँ से उतारा है कांग्रेस ने, तो कहीं ना कहीं लोग काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं इस रैली को लेकर। और यहाँ से सीएम अशोक गहलोत जब बोलेंगे तो उस पर हमारी नजर भी रहेगी कि किस तरीके से यहाँ से गहलोत यहाँ पर अपना भाषण देंगे और कार्यकर्ताओं को और भी मजबूती प्रदान करेंगे। जी लियाकत, युवा चेहरा यानी कि रतन देवासी को उतारा है कांग्रेस ने, लेकिन किन मुद्दों पर फोकस रहा है इस बार? जी बिल्कुल, मुद्दे आमतौर पे इनका जो भाजपा के जो 10 साल का यहाँ का कार्यकाल है, वर्तमान जो सांसद है उनके, यानी कि नहीं जो कार्य उन्होंने नहीं किए उसको लेकर कांग्रेस मैदान में उतरी, वहीं कई नए वादों के साथ कांग्रेस यहाँ पर चुनावी मैदान में उतर कर बिगुल भगत जा रही है। जी लियाकत, और क्या अपडेट है पहली जनसभा के लिए? कितनी देर में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत? जी तय कार्यक्रम देखे तो करीब 1:30-2 बजे का तय कार्यक्रम बताया जा रहा है, लेकिन हालांकि 2-3 जगह अन्य जगह भी जनसभा है, तो कहीं ना कहीं कार्यक्रम में थोड़ा देरी भी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं सीएम गहलोत यहाँ से आज कार्यकर्ताओं में एक बार फिर से जान फूकेंगे, क्योंकि यहाँ से 15 साल से कांग्रेस इस सीट से वंचित है, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के लिए इसमें काफी जोश भी है इस समय। जी लियाकत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सिरोही और बाड़मेर दौरे पर हैं और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने वाले हैं। दोपहर 2 बजे आज उनके आने का कार्यक्रम है, लेकिन कुछ देरी भी हो सकती है।